बहुत हो गया, क्योंकि पता क्या बड़ी कमाल आपको बात बताऊँ, आपने 70 साल इबादत की है, कैन यू राइट इट डाउन एंड साइन मी, ये कबूल है, कर सकता है कोई? अल्लाह ने बताया नहीं किसी को, अल्लाह ने नबी तक को नहीं बताया, हालांकि नबी को ये बशारत दी है कि भाई आप पक्के सबसे पहले जो जन्नत में जाएंगे वो हमारे नबी हैं, लेकिन किसी को ये नहीं बताया कि तेरा अमल कबूल है कि नहीं। अगर बता देते तो इंसान ये करेज कम्फर्ट जोन में आज़ाद हो जाना था, उसने कोशिश करनी छोड़ देनी थी। पता नहीं कौन सा अमल है जिसकी वजह से मैं फिरदौस पहुँच जाऊँ, पता नहीं कौन सा अमल है, अब आप समझ रहे हैं, पता नहीं करते करते यू हैव टू कीप वर्किंग, कीप गोइंग फॉरवर्ड। अब करेज जोन क्या है? एक नया दोस्त बनाना। कम्फर्ट जोन क्या है? आई डोंट लाइक फ्रेंड्स। करियर जोन क्या है? नया दोस्त बनाना। करियर जोन क्या है? हैव यू, कितने लोग हैं आपके नारायण का गान गए हैं, हाथ खड़ा करें। यकीन करें मैं मलेशिया से, मलेशिया 8 साल रहा हूँ, वहाँ पे कुछ जगहों पे गया हूँ, मैं कहता हूँ यार ये डेड प्लेसेस है, डेड मरी हुई जगह हैं, बजाय इसके नारायण का गान जो है, जो हमारे नॉर्दर्न एरिया है, हैव यू एवर बीन, आप पाकिस्तान नहीं है, फ्री जा सकते हैं, कोई वीज़ा नहीं, कुछ नहीं है कि नहीं, आप लंदन पेरिस सब कुछ भूल जाएंगे, सीरियसली आई मीन, उधर जगह फेरी मेडोज, ऐसा लगता है ये लंदन की जगह है, पेरिस की है, फेरी मेडोज नाम से क्या लग रहा है ना, लेकिन वो हमारी जगह है भाई, हमारी पाकिस्तानियों की है वो, लेकिन हम नहीं जाते, वो करियर जोन है। छुट्टियां होती नहीं है, अब तो मतलब प्राइवेट सर्विस शुरू हो गई है, आप 7-8 हज़ार रुपया दो, आपको 3 दिन वहाँ पे घुमाएंगे भी, लेके भी जाएंगे, बट वी डोंट डू दैट, वी डोंट एंजॉय आवर लाइव्स, छोटे छोटे मोमेंट्स नहीं करते हैं हम अपने लिए, हम तो इतने आराम पसंद हो गया, हमारी पाकिस्तानी कौम, हमारा नौजवान खासतौर पर कूलर पास पड़ा है, उसके ऊपर ग्लास भी पड़ा है, अम्मी को आवाज़ देंगे अम्मी जी पानी दे दो, यकीन करें हमारे लिए करियर जोन ये भी बन गया कि संडे को हमने बाहर से नाश्ता नान चने नहीं खाने, घर बनाएंगे, ये भी हमारे लिए करियर जोन बन गया है, हालांकि संडे छुट्टी है, आई डोंट नो दिस लॉजिक और समथिंग, छुट्टी वाले दिन यू आर सो रिलैक्स्ड इजंट इट, अब तो घर बना लो, हम छुट्टी को नहीं बनाते हैं और काम वाले दिन घर बनाते हैं, स्ट्रेंज यू नो, ये छोटे छोटे करियर जोन है, आप अपने दिमाग को ट्रेन करें। अच्छा, ट्रेन करते करते एक मजे की बात बताऊं, सक्सेस विल बिकम योर हैबिट, कामयाब होना इट्स अ पीस ऑफ केक नाउ, बिकॉज ड्राइविंग सीट अब किसके हाथ में है, अब जो मर्जी करियर जोन आ जाए, जितनी मर्जी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, यू विल कंकर इट, यू विल हैव इट। इसलिए सहाबा जो थे वो दरिया के किनारे पे खड़े हो कहा करते थे, अगर हमें पता चल जाए ना इस दरिया के बाहर भी कोई दुनिया है, परे भी कोई दुनिया है, हम अपने घोड़े दरिया पे चला देंगे। नाउ देयर इज नो करियर जोन, कंफर्ट जोन टाइप ऑफ स्टफ, क्योंकि उनका दिमाग इतना ट्रेंड हो चुका था, वी कैन कंकर एवरीथिंग, हम हर चीज़ को फतह कर सकते हैं, बिकॉज उन्होंने अपने दिमाग को ऐसा ट्रेन कर दिया था थोड़े थोड़े स्टेप्स लेके। नया दोस्त बनाएं, नई जगह पे जाएं, नई स्किल सीखें, नई वेबसाइट की तरफ जाएं, नई डिश बनाएं। सीरियसली मेरी वाइफ है, कभी कभी वो ऐसा करती है, एंड दैट एक्चुअली फॉर मी इज़ द बेस्ट डे, कि नई डिश बनाती है, मतलब मे बी लाइक दो घंटे को यूट्यूब की वीडियो देखती रही, लेकिन बनाती है, इट टेक्स टाइम, इसको भी करियर जोन कहते हैं, बिकॉज यू ट्राइड समथिंग न्यू इन योर लाइफ, किसी नई जगह पे जाएं। कभी कोई यतीम खाने में गया है, हाथ खड़ा करें, थिंक अबाउट, हम कितनी वीडियो शेयर करते होंगे आप यतीमों की, गए खुद है नहीं कभी, कभी आप हॉस्पिटल गए हैं जहां पे लोगों की टांगें टूटी हुई हैं, आपको अपने टांग की कदर कब आएगी जब टूटी हुई टांग देखेंगे ना, आपको पता है हम हॉस्पिटल में एक दफा गए तो एक बंदा उल्टा लेटा था, उल्टा, वो सीधे नहीं हो सकता, उसको लोग ऐसे करके बात करते थे, नो इमेजिन दैट, हाउ वो वॉशरूम कैसे जाता होगा, थिंक अबाउट दैट, आप मस्त हैं भाई, चल फिर रहे हैं, लेकिन ये फीलिंग नहीं आएगी आपको कब तक, तो भाई कभी किसी दिन एक दर्जन यार माल्टे शाल्टे लो, ऊबर पकड़ो, क्रीम पकड़ो, इतना आसान है, चले जाओ, किसने रोका आपको, है कि नहीं, शॉपिंग करने 4 घंटे चले जाते हैं यार, हम उधर नहीं जाते क्योंकि करीब जोन है, एंड वी वॉन्ट टू रिमेन इन आवर कम्फर्ट जोन। हमारे मोहल्ले में जैनब जैसा केस हुआ कि नहीं हुआ कसूर में, हमारा मोहल्ला कनेक्टेड नहीं है ना, मोहल्ला कनेक्टेड नहीं है, हर किसी को अपने पेट की पड़ी है, हर किसी को अपनी ख्वाहिश की पड़ी, अपनी अपनी पड़ी है, अगर एक दूसरे की पड़ी होती ऐसे केस नामुमकिन है हमारे इलाकों में हो जाए। आखिरी बात, अंडा एक, उसमें से चूजा कितने दिन बाद निकलता है, हेलो, कितने दिन बाद, 21 दिन के बाद निकलता है। अच्छा, 21 दिन पूरे हो गए, ठीक हो गया, टक टक की आवाज़ आई, आएगी कि नहीं आएगी, आप हेल्प कर दें, हेल्प करनी चाहिए, देखिए मेरे से वजन नहीं उठाया जा रहा, आपको हेल्प करनी चाहिए, हेलो, अंडा टक टक की आवाज़ आई, 21 दिन पूरे हो गए, हेल्प कर दें यार, अंडा खोल दे, क्यों, ओके, और क्यों नहीं खोलना अंडा, ओके, यहाँ से बड़ा कमाल सबक है, बड़ा कमाल, ये हमारा बॉटम लाइन है आज, बॉटम लाइन, अंडा बाहर से टूटे मौत, अंडा अंदर से टूटे जिंदगी,
अंडा आप बाहर से तोड़ देंगे, चूजा निकलेगा जरूर लेकिन मर जाएगा, जबरदस्ती हुई है। अंडा अंदर से खुद अपनी मर्जी के साथ फूटे ये जिंदगी है, बाहर से हम जबरदस्ती करें ये लेक्चर जितने मर्जी दे लिए जाए, मैं जितना मर्जी आपके आग फन्ने खां बन जाऊं, जितने मर्जी प्रोफेसर लेक्चरिंग झाड़ लूं, नथिंग इज गोइंग टू चेंज अंटिल यू चेंज फ्रॉम विद इन। जब तक आप अंदर से नहीं बदलेंगे, यू नो सबसे जो पावरफुल पावरफुल जो आवाज है दुनिया में, थैंक यू नो द मोस्ट मोस्ट पावरफुल वॉइस इन द वर्ल्ड वो किसकी है? आपकी अपनी। अजान आती है, अब वो अजान वाला असल में एम्बेसडर है, प्रेजेंटेटिव है अल्लाह का, अल्लाह की तरफ से बुला रहा है, वो तो नहीं सक्सेस दे सकता। आपकी वॉइस ज्यादा स्ट्रांग है कि अजान को भी जुटला देते हैं, मैंने नहीं पढ़नी। आप कहती हैं ना, आप कहते हैं मैं नहीं पढ़ूंगा, आपकी आवाज स्ट्रांग हुई ना। आपकी माँ की स्ट्रांग नहीं है, आपके अब्बे की स्ट्रांग नहीं है, आपकी आवाज स्ट्रांग है। जब तक आप अंदर से बस यार बहुत हो गया यार, सीरियसली आई हैव टू चेंज नाउ, आई हैव टू चेंज माई वे ऑफ लाइफ नाउ, खलास मैं आई हैव टू गो टू करेक्ट जोन, मैं पेन लूंगी, आई हैव टू ट्रेन माई माइंड, दिस इज माई लाइफ, माई माइंड शुडंट डिक्टेट मी, आई शुड डिक्टेट माई माइंड। यार मेरा माइंड का पुजारी नहीं हूं मैं उसका स्लेव नहीं हूं, मैं उसको गुलाम नहीं हूं। हमारा नौजवान आज अपनी मर्जी से बाल नहीं कटवा सकता, वो दुकान पर जाकर तस्वीरें देखता है यार ऐसा काट दो, यार इतना सा फैसला नहीं कर सकते। आज लड़की खबरनामा देखती है इसलिए नहीं कि वो कोई खबरनामा देख रही है जो कुछ जानना चाह रही मुल्क के बारे में, उसका गला कैसा है, उसके कपड़े कैसे हैं, उसने झुमरू कैसे पहने हुए, कम ऑन, ये तो डिसाइड कर सकते हो ना अपने आप के बारे में। आपको फिल्म देखने की, फैशन स्टार देखने की जरूरत नहीं है, मैंने फैशन कैसे करना है। हमारे नौजवान को जरूरत नहीं है, शूज लेने जाते हैं, यू वांट दैट काइंड ऑफ शूज, लेकिन दुकानदार क्या कहता है, वो जाने दो यार ये तो पुराना स्टाइल है। ओ भाई ये मेरा डिसीजन है, दिस इज माई, मेरे जूते हैं ना भाई, मेरे पैर हैं यार, मैं अपनी मर्जी से जूते नहीं पहन सकता, नहीं पहन सकता, आप नहीं पहन सकते, मैं नहीं पहन सकता। हम अपनी मर्जी से बाल नहीं कटवाते, पुराना अभी अजय देवगन का एक स्टाइल चलता था बाल ऐसे ऊपर नहीं, मे बी यू लाइक इट, मे बी यू लाइक इट, बट यू डोंट, बट यू कांट, व्हाई, किसने रोका? आपने, आपने रोका अपने आप को, क्योंकि आप कभी करियर जोन में जाते ही नहीं है, हम जाना चाहते ही नहीं है, बस ऐसे ही जैसे पैदा हुआ वैसे ही मर जाना चाहते हैं। कीड़े, कीड़े कितने हैं दुनिया में, को बताएगा? किसी को नहीं पता। कीड़ा कैसे आता है, कैसे चला जाता है, किसी को जानता नहीं। हम कीड़ों की तरह नहीं है, कैसे आए कैसे चले गए, हम इंसान हैं। वी हैव टू लीव अ लेगेसी बिहाइंड, कुछ छोड़ के जाओ यार कि लोग आपको याद करें कि हाँ यार को बच्ची रहती थी यहाँ पे, हाँ को भाई रहता था जिसने खानदान को चमकाया था, जिसने कोई चेंज लाई थी, जिसने कोई इनोवेशन की थी, जिसने कोई तब्दीली की थी, दैट्स लाइफ वर्थ विनिंग। और याद रखें, ओनली आउटस्टैंडिंग स्टैंड आउट, सिर्फ जो आउटस्टैंडिंग इंडिविजुअल होते हैं वही खड़े होते हैं, वही कोई तब्दीली लेके आते हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम।